हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर करियर ग्रुप चंडीगढ़, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन। तो देखिए, आज के वीडियो में आपके पास मैं दो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। बेसिकली एक टॉपिक है यूपीएससी ईएससी 2025 सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक प्रिलिमिनरी आइडिया दे दूं कि ईएससी होता क्या है और जो 2024 में जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर बना है वो पेपर का वेटेज एनालिसिस कैसा था, उसमें कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे या कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे, कौन सा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के आएगा, किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजों के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, मैं आपको सारा का सारा जो नॉलेज है यूपीएससी ईएससी जो 2025 में आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और 2024 के लिए अब अगर जो प्री निकल गया है तो मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं 2024 जो पेपर हुआ था 18 फेब को, उसकी एनालिसिस के बारे में कि किस सब्जेक्ट से उसने कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे, ठीक है। तो पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में वहां पे आप लिख सकते हो, उसको भी आपको वहां पे सारा का सारा डाउट आपको रिजोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, नॉर्मली आपके जो सिविल में अप्रोक्सीमेटली 13-14 सब्जेक्ट्स बनते हैं, अगर मैं बायफर्केट कर लूं तो 16-17 हो जाएंगे, बट अगर मैं कंबाइन करके रखूं तो अप्रोक्सीमेटली इस साल आपको 13 सब्जेक्ट से क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहला मोस्ट फोर सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविल इंजीनियरिंग में आप सबसे स्टार्टिंग में भी पढ़ते हो और आपको बताया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 21। अब सोच के देख रहे हो, ईएससी के पैटर्न में जो प्री का एग्जाम होता है टेक्निकल का, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और उसमें निगेटिव जो होता है 1/3 होता है। तो अगर 2 मार्क का एक क्वेश्चन है तो यहां पे 21 मतलब 42 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली आपको सिर्फ सॉम दिया है उसने, 42 मार्क्स के आसपास का सिर्फ सॉम है उसमें, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका कितना है, 42। मतलब यहीं से समझ में आता है कि जो यूपीएससी 2025 ईएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए सॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, एक भी टॉपिक वहां से नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस साल के पेपर में उन्होंने सारा का सारा सिलेबस कवर करके हर जगह से मैक्सिमम उन्होंने क्वेश्चन जो है पूछ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग मटेरियल फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये ईएससी ही नहीं जितने भी आपके स्टेट एईजेई होते हैं या ईएससी हो गया, हर जगह पे ही बीएमसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बन के आता है। क्वेश्चन देखो 17, मतलब मार्क्स कितना हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली, यहां से आपका मार्क्स बन जाएगा कितना, 34। तो ये देखो 42 + 34, 300 में से अप्रोक्सीमेटली आपका मान के चलिए 42 हो गया या 34, 70 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, तो यही दोनों सब्जेक्ट है, 300 का पेपर है उसमें से 30% तो आपका जो सब्जेक्ट है आपका अप्रोक्सीमेटली यही दोनों कवर कर दे रहा है, अगर आप वहां पे देखोगे है कि नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 25-30% तो ये दोनों सब्जेक्ट, मतलब समझ में सर ये आया कि ये दोनों सब्जेक्ट तो 2025 के लिए छोड़ना ही नहीं है, इन दोनों को सबसे पहले पढ़ना है। हाँ, और भी सब्जेक्ट है जिनका मेन वेटेज है, बट इनको तो हमें पढ़ के ही जाना है, इसकी सिलेबस की भी आगे की वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी आपको ये जानना है कि इन दोनों सब्जेक्ट को 2025 के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि और अभी से नहीं, पहले के भी अगर आप पेपर उठा के देख लो, 23 हो गया, 22 हो गया, 21, तो उसमें भी इसका वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। अब देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस, जनरली स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है बच्चे इससे डरते भी है, इसका वेटेज भी ऐसे भी कम है, यहाँ पे अगर आपको देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन, बट अगर आपने सॉम पढ़ लिया है तो स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको ग्रास्प करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि फिर वहां पे चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो छोड़िएगा नहीं, बट आपको ये मेंस में बहुत काम आएगा, क्योंकि मेंस में जहां पे कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे ना तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, ठीक है। तो छोड़ना हमें नहीं है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस भी 2025 के लिए पढ़ना है। 24 की अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन आए हैं, बेसिकली 4, ठीक है। अगला देखिए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, देखो 12 क्वेश्चन है, मतलब फिर से कितना हो गया, 24 मार्क। तो अब एक चीज देख रहे हो, स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है, अभी आरसीसी मैंने नहीं लिया है, अभी देखो डीएसएस स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल को भी मैं इसी में रख रहा हूं, ये 4 ही सब्जेक्ट मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली देखो 100 मार्क्स दे रहे हैं, ये 42, 34, ये 8 और ये 24 अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो है आपका 1/3 ऑफ द पेपर आपके यही 4 सब्जेक्ट जो है कवर कर दे रहे हैं, मतलब ये 4 सब्जेक्ट भी किसी ने अगर अच्छे से किया है तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए वो 100 से 110 नंबर का आराम से सॉल्व करके आ सकता है। और क्वेश्चंस इस बार के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अच्छा फ्रेम किया था, कॉन्सेप्चुअल था, कुछ क्वेश्चंस काफी इजी थे, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है इंजीनियरिंग का तो उससे भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने फ्रेम किया था अच्छे थे, मतलब बेसिकली यूपीएससी की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया था, जैसे उन्होंने 3 स्टेटमेंट दे दिया, अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 एंड 2,
2 and 3, 2 and 1, या 1 and 3, 1, 2 and 3। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, बच्चों को अक्सर मान लीजिए एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट तो पता होगा, बट जब तक आपको तीनों स्टेटमेंट का आइडिया नहीं होगा ना, तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जब भी आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से टेक्निकल, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और क्वेश्चन में सिलेबस पूरा कवर करने की कोशिश करो, तभी क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि ईएससी इज ऑल अबाउट, वो आपको सिलेबस कवर करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो, तभी जाके आप वहां पे क्या कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल भी दूंगा, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बढ़िया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी हमें यहां पे पता चलता है कि नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें आपका सीपीएम पार्ट आ गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लेबर लॉस हो गए, ये सारी चीजें मिला के भी उसने यहाँ पे आपके पास कितने 8 क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने कितने पूछे थे 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे थे। अब फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो आपको गेट ईएससी एई जेई जितने एग्जाम होते हैं हर एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें पार्ट वन जो आपका रॉ वाटर, पार्ट टू जो आपका वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सबको अगर मैं कवर करूं तो यहां पे उन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 16 क्वेश्चंस पूछे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। कहीं पे भी आप एग्जाम देने जाओ ये सब्जेक्ट तो आपको दिखेगा ही, और इन सब्जेक्ट का वेटेज प्री में नहीं है। जब आप वो 600 मार्क्स का मेंस लिखने जाओगे ना, वहां पे ये सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है ना, तो इनके क्वेश्चंस आपसे बहुत जल्दी अगर बनेंगे तो वो वहां पे आपको जो है अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट्स कभी भी अपनी तैयारी में नहीं छोड़ना है। तो जो भी बच्चे 25 की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो हमेशा मैं यही बोलता हूं, इन्वायरमेंटल, जियोटेक, ये सारे सब्जेक्ट तो उनको हमेशा पढ़ना ही है और उनके टिप पे होना चाहिए। जितनी बार ये सब्जेक्ट आप रिवाइज करोगे, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट डेटा बेस्ड है। जैसे इस बार ही देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बताइए स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये बताइए रैपिड सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये बताइए सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम। तो वहां पर ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। डाटा याद कैसे होगा? जब आप कंटिन्यूअसली रिविजन करते जाओगे, क्योंकि डाटा तभी याद होता है जब मैं रिविजन करूंगा, ठीक है। अगले पे आते हैं जो है आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वेरी गुड वेटेज, 17 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, फिर से 34 मार्क्स, मतलब बिल्डिंग मटेरियल और जियोटेक्निकल दोनों को अप्रोक्सीमेटली कितना है, 17 क्वेश्चन है। तो फिर से वन ऑफ द वेरी गुड सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, जियोटेक्निकल मतलब सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन दोनों आ जाएगा, 17 मार्क्स इज अ वेरी गुड वेटेज इस सब्जेक्ट का। अगर आप गेट में भी देखोगे तो इस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा वेटेज है, एईजेई में तो ऑलरेडी है, बट ईएससी में इस सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा वेटेज है। नेक्स्ट देखिए इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी 4 मार्क्स, तो कभी कभी होता है कि हाइड्रोलॉजी से वो नहीं भी पूछता है, कभी कभी होता है पूछ भी लेता है। अगर पूछता है तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेंगे। छोटा सा सब्जेक्ट है, प्यारा सा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाता है, तो पढ़ ही लीजिएगा, इसको छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो, अभी से आपकी अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनी है, तो आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, हमेशा याद रखिएगा। द वन हु विल कवर द होल सिलेबस ही विल हैव द एज, उसके पास हमेशा एक एज रहेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि वो जो 2-4 क्वेश्चन जो अलग से वो फ्रेम करता है ना, वही 2-4 क्वेश्चन उसको एक एज दिलाता है बाकी बच्चों के ऊपर, जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं बच्चे, ठीक है। अगला देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, फिर से 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इस बार उन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास पूछा है, बट इजी क्वेश्चन थे। अगर आप देखोगे क्वेश्चन सर कहां से आए थे, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके कहां से थे, जो आपका वाटर रिलेशनशिप होता ही है, आपका जो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप होता है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप होता है, उसी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अगर हाइड्रोलॉजी की बात करोगे सर, क्वेश्चन कहां से आए थे, इन्फिल्ट्रेशन रेट पूछा था, स्पेसिफिक यील्ड पूछा था, यही सारी चीजें उन्होंने वहां पे मैक्सिमम पूछ रखी थी। फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर्वे एंड जियोलॉजी दोनों को, जियोलॉजी जनरली बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में नहीं आता है, बट आपको ईएससी पूछता है, तो जियोलॉजी और सर्वे को मिला के भी उन्होंने क्या किया था, 13 मार्क्स रखे थे, मतलब फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिर से 13 क्वेश्चन थे, सॉरी ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन रखे थे। तो इसीलिए अब हमें फिर से इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक छोटा सा सब्जेक्ट है, इजी सा सब्जेक्ट है, इसको तो हमें पढ़ना ही है। फिर से आप बच्चे जो सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट से डरते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फ्लूड एंड हाइड्रोलिक मशीन एंड ओसीएफ, फिर से अच्छा खासा वेटेज है, 13 मार्क है, ओसीएफ भी एक इजी सब्जेक्ट है, हाँ
फ्लूड पढ़ने के लिए आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जैसे आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप फ्लूड पढ़ रहे हो या सॉम पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा मैकेनिक्स का बेसिक आइडिया लो, थोड़ा मैथमेटिक्स का आइडिया लो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि वहां पे ये चीजें लगेगी और जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप फंसोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा बेसिक आप कवर कर लोगे ना तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान बन जाता है। और इस सब्जेक्ट में जो बेसिक लॉस है ना, ये लॉस आपको पता होने चाहिए कि किस क्वेश्चन में मेरे को लॉस कौन से लगाने, ठीक है, तब ये सवाल आपके लिए, इस क्वेश्चन ये सवाल आपके लिए बहुत आसान। जैसे अगर बाउंड्री लेयर थ्योरी है तो उसमें आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होगा या नहीं होगा कुछ भी, तो वो आपको लॉज वहां पे पता होंगे ना तो आपको सवाल बनाने में बहुत आसानी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं वन ऑफ द फिर से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सारे ही एग्जाम्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ हाईवे नहीं है, हाईवे है, रेलवे है, आपका कभी कभार एयरपोर्ट भी आ जाता है क्वेश्चन, और इस बार टनलिंग से भी अच्छे क्वेश्चन उन्होंने बनाया था कि कौन सा शेप का टनल होना चाहिए, फुल फेस मेथड क्या होता है, अलग अलग टाइप की टनलिंग्स क्या होती है, तो टनल का आपका शेप हाई स्पीड के लिए, ये रोड के लिए कौन सा होगा, आपका सीवर को कैरी करने के लिए शेप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर, पैराबोलिक, हॉर्स शेप, एग शेप, तो ये सारी चीजें भी आपकी कहाँ पे आई थी, टनलिंग में इस बार उन्होंने कवर किया था। तो अगर मैं आपसे बात करूं 2024 की सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, तो ये पूरा का पूरा प्री का वेटेज था पेपर टू का। अब ध्यान दीजिएगा किसका है, पेपर टू, मैं आपसे पेपर वन की अभी बात नहीं कर रहा हूं। पेपर टू मतलब जो आपका टेक्निकल है, ये टेक्निकल में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है और सिविल हो सकता है। ठीक है, तो ये पेपर मैं टू की बात कर रहा हूं। पेपर वन में जो आपका जीएस एंड जीके वाला जो पोर्शन है जिसमें करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, उसके लिए भी हम आगे अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे। अब बात आती है सर ईएससी 2025 की, किसकी बात आई, ईएससी। अब मेरा फोकस मेन शिफ्ट होता है किस पे, ईएससी 2025 पे। अब एक चीज देखो, ईएससी 2025 पे फोकस शिफ्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ईएससी एग्जाम के बारे में बताता हूँ। ईएससी एग्जाम क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे पीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर कमीशन, एमईएस, बीआरओ, उसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट आपको मिलती है जब आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। एग्जाम बेसिकली यहाँ पे थ्री स्टेजेस में कंडक्ट होता है, एग्जाम थ्री स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहला होता है आपका प्री, उसके बाद होता है आपका मेंस, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। मैं आगे के वीडियोस में आपको कट ऑफ के भी बारे में बताऊंगा कि आपका कट ऑफ टोटल में से कितना होना चाहिए। आज तो मैं स्ट्रेटेजी पे बात करता हूं, जैसे और आगे की वीडियोस आएंगे ना उसमें मैं आपको धीरे धीरे इसकी बहुत सारी जानकारियां दूंगा कि जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, वहां पे वर्क कैसा होता है, सैलरी क्या होती है, उसके बाद आपका कट ऑफ कितना आना चाहिए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन, सारी चीजें हम वहां पर बात करेंगे। तो अगर मैं प्री की आपसे बात करूं तो प्री इज ऑल अबाउट 500 मार्क्स, प्री इज ऑल अबाउट 500। हाँ, अब ये 500 में पेपर वन जो है वो 200 और पेपर टू जो टेक्निकल है वो 300, तो 500 कैसे बाइफर्केट हुआ, पेपर वन 200, पेपर टू आपका 300। पेपर टू मतलब अभी जो मैंने आपको एनालिसिस बताई, तो 2025 में भी क्या होगा, 300 के आपको सारे टेक्निकल आएंगे और 200 का आपको क्या मिलेगा, 200 का आपको प्री का जो पेपर वन है, पेपर वन में मतलब जीएसजी के, सर उसका सिलेबस क्या रहता है तो मैं एक बार उसको भी बता देता हूं। देखो उसमें आपको मिलेगा रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, आईसीटी, जो इन्वायरमेंट आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, उसके बाद आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, तो ये सारे मिला के 9 से 10 सब्जेक्ट बनते हैं। तो ये आपको हमेशा पेपर वन में पूछा जाता है, तो पेपर वन के भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अगला आते हैं हम लोग मेंस पे। देखो अब पेपर वन जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 250, 230, 240 के आसपास चाहिए होता है पेपर प्री में, पेपर वन और पेपर टू मिला के, कि आपको क्वालिफाई करना है जिससे आप मेंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर मैं मेंस की बात करूंगा बेसिकली, तो मेंस आपका होता है टोटल कितने का, 600 मार्क्स का। मेंस कितने का होता है, 600 मार्क्स। अब ये 600 मार्क्स दो इसमें होते हैं, दो सेक्शन, एक 300 मार्क्स का एक सेक्शन और एक 300 मार्क्स, मतलब दो तरीके से पेपर, एक में आपका आधा टेक्निकल कवर होगा, एक में आपका आधा टेक्निकल होगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मेंस होता है ये कन्वेंशनल होता है। सर कन्वेंशनल का मतलब बहुत बच्चे सोचेंगे सर क्या होगा, कन्वेंशनल का मतलब होता है रिटन पेपर, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। प्रीलिमिनरी आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। प्रीलिमिनरी क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर है। मेंस आपका क्या है, कन्वेंशनल पेपर, रिटन पेपर, मतलब आप जो सेमेस्टर में एग्जाम्स में जो आंसर्स लिखते हो ये सारे आंसर आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन ऑल द शियर स्ट्रेंथ के लिए जो भी आप टेस्ट करते हो सॉइल के ऊपर,
डिफाइन ऑल द टेस्ट, या वो बोल देगा एक ट्रायक्सियल टेस्ट पूरा मुझे लिख के बताइए, तो आपको पूरा का पूरा ट्रायक्सियल टेस्ट वहां पे लिख के उसको देना पड़ेगा ए टू जेड एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे आपको कन्वेंशनल में देखने को मिलेगा। जब कन्वेंशनल आपका खत्म हो जाता है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन बेसिकली हमारा क्या है, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होता है बेसिकली 200 मार्क्स का। इंटरव्यू आपका कितने का होता है, 200 मार्क्स का। अब इंटरव्यू 200 मार्क्स का हुआ मतलब आप ये बोल सकते हैं, देखो सर 500 प्लस 600 प्लस 200 तो ये अप्रोक्सीमेटली 1300 मार्क्स का आपका टोटल आपका ईएससी का पेपर होता है। इस 1300 मार्क्स में से जब आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से होगा कट ऑफ, तब जाके आपको वहां पे आगे के लिए फर्दर जो भी आपकी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी टोटल मार्क्स की। अब हम आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो 2025 के लिए आपकी क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि आप अभी आपके पास एक साल का समय है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका मेन फोकस रहना चाहिए बेसिक वाले सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट जो आपके बेसिक डेवलप करेगा। तो सिविल में देखो दो चीजें हैं, एक स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। तो एक समय पे अगर आप एक स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ एक नॉन स्ट्रक्चरल इजी सब्जेक्ट भी लेके चलो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ कोई एक छोटा सब्जेक्ट ले लो, जैसे इरिगेशन ले लो, एक सर्वेइंग ले लो। इससे होगा क्या कि आपका एक सब्जेक्ट जो चल रहा है पैरेलली उसके साथ नॉन स्ट्रक्चरल के भी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है ना वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। और पहली चीज, सबसे पहली चीज, आप हमेशा सिलेबस के साथ खुद को डिफाइन रखो कि अगर ये पूरी सिलेबस है तो मुझे ये पूरा पढ़ना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यूपीएससी प्री का 2023 का पेपर उठाइएगा, सॉइल मैकेनिक्स में एक चैप्टर होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन। अब जनरली हम क्या करते हैं, वहां पे उस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि एंड एंड में आता है, उसको हम जनरली नहीं पढ़ते। जैसे एग्जांपल जो जियोनेट्स होता है, जियोसिंथेसिस होता है, ये सारी चीजें जो हम इसको पढ़ते नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। बट उसने क्या किया, जियोटेक के पहले 3 से 4 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से या उसी चैप्टर से उठा के डाल दिए। अब होगा क्या, आपने तो ये छोड़ के गए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चन आपको आ भी रहे होंगे तो भी आप मेंटली परेशान हो जाओगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये मैंने छोड़ दिया आगे के क्वेश्चन भी। तो इसीलिए सिलेबस आप पूरा कवर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये पूछेगा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं, मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है तभी जाके मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पता है, बिल्डिंग मटेरियल में जैसे मेन हो गया सीमेंट, सॉरी बिल्डिंग मटेरियल में मेन हो गया सीमेंट, ब्रिक, पेंट्स हो गया, टिम्बर हो गया, उससे क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो अलग अलग मेथड है, डीएसएस में आपके पास जो कनेक्शंस हो गए, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर या प्लास्टिक एनालिसिस, आरसीसी में आपके पास बीम, कॉलम्स, उसके बाद आपके पास जो सिंगली डबली रीइंफोर्स सेक्शन, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग मैनेजमेंट में आपके पास क्या हो गया, सीपीएम पार्ट हो गया या उसके इक्विपमेंट्स, ये सब सारी चीजें। इंजीनियरिंग इकोनॉमी हो गई, इन्वायरमेंटल में जैसे कि आपको पता है पार्ट वन पार्ट टू, जियोटेक में आपको सॉइल एंड फाउंडेशन जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गई, परमेबिलिटी हो गई, शियर स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हो गया आपका, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, सर्वे हो गया। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ के ही बिल्कुल जानने हैं अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब इस वीडियो पे आपके जो भी डाउट हो गए वहां पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी चीज, इसके बाद मैं और एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस सिलेबस पे करूंगा। उसके बाद और कुछ फर्दर वीडियोस होंगे जिसमें हम ईएससी की जॉब प्रोफाइल क्या है, ईएससी में आपको प्रमोशन कैसे मिलता है, ईएससी में आपकी सैलरी क्या होगी, ईएससी में वर्क लाइफ आपका कैसा है, कैसे हमें क्वालिफाई करना चाहिए, ईएससी 2025 के लिए हमारी प्रिपरेशन क्या क्या होनी चाहिए, कहाँ से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, जैसे कि ईसीजी इंजीनियर्स करियर ग्रुप चंडीगढ़ आपके लिए स्पेशली ईएससी का कोर्स लेके आया है, आप ऑफलाइन चंडीगढ़ आ सकते हो, यहाँ पे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, नए बैचेस अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको 2024 की एनालिसिस और 2025 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या वहां पे आपके पास टोल फ्री नंबर मेंशन होगा, आप उस पर कॉल करके भी बैचेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अदर थिंग्स अबाउट ईएससी एंड डिटेल्ड सिलेबस के साथ।